उस पद्मावत के पास जाती है कि बहन सुबह के 4 बज चुके हैं, चलो तालाब पर स्नान करके आएंगी। वे वहां से चलती हैं, एक गीत के द्वारा कैसे क्या कहती है, तो बात कहां से, जिसमें जो विराट नगर में पांडु रहा करते थे उनका भेद खुल जाता है। तो राजा कमलनयन ने चाहा कि मैं अपनी पुत्री की शादी अर्जुन के साथ कर दूं। जब अर्जुन के सामने ये प्रस्ताव रखा तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, सुता में और शिष्या में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि बेटी और चेली मंत्र क्या होता है ये ठीक नहीं। हाँ, उत्तरा कुमारी के हम उम्र मेरा लड़का है विमनु, उसके साथ करो। दोनों के बीच ये तय हो जाता है कि अभिमन्यु की और उत्तरा कुमारी की शादी होगी। इस बात का ज्ञान द्रौपदी ने होया कि देखी बिना शर्मारे रण ने घर नहीं, खान ने नाज नहीं, और ये भी प्रथा रत्न है, बड़ा कित बिठाऊंगे उसने। भाई सुनिए, तुम्हारी द्रौपदी उन पांडों के पास आई के बतला रहे हो तुम कि ये तो तय होगी अभिमन्यु की उत्तरा कुमारी की शादी होगी, के कुछ शर्माए राज ना थारे पाठ ना लेना ना देना ना, क्या ब्याह करोगे तुम।
तो वह द्रौपदी उन पांडवों के ताने मारती है और क्या कहती है। वैसे मैंने जिंदगी में यू रंग गाया नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे क्यों परमात्मा ने डेरा क्या ही बद बटेरा बढ़ाऊंगे धुर। मैंने आज तक वैसे गाया नहीं। इस बहु न करे बताओगे अरे आप रहे अरे सुन तू लूट ले ये बेंगन रह गा रहे लोग तने देखने लग जाए। प्रॉपर्टी डीलर साहब
100 روپے اتنے ہی جانکی نانگل سے گول مول پریمی کتنے کی साथी नांगल जाटी और ستر بانا جی ہے اس سور راجی پدماوت
भक्ति करता के ब्राह्मण और के भंगी दुर्योधन की बाई दांत पे ये बिठवाओ ये मंगी गुरु मान संग समझनिया मानस सुन के हो जस लक्ष्मी चंद कह जाना सता लक्ष्मी चंद कह जाना सता इतने बर्तन खातर